रमजान करीम में मजेदार सी सैरी हो जाए तो मजा आ जाए। बड़ा मजेदार सा और झटपट से बन जाने वाला चने का सालन बनाए, किस तरह से बनाए गए, किस तरह से इसका इतना प्यारा सा कलर इतनी जल्दी से तैयार किए गए, चने के चैनल क्लोजअप में अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। में आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ, बड़े झटपट से बन जाने वाला चने का सालन है जो कि रमजान करीम में आप सहरी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी आंख थोड़ी देर से खुली। हर घर में रमजान में चने उबले हुए मौजूद होते हैं। मैंने अच्छे से चनों को उबाल लिया था, ये देखें, थोड़ा सा नमक और सोडा डालकर और जो थोड़ा सा इसका पानी था वो भी इसी के अंदर रहने दिया। चने जल्दी से इसको हम पकाना चाहिए। चूल्हे पर हमने पॉट रख लिया, इसके अंदर डाल देंगे 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे पिसा हुआ 1 टीस्पून। अदरक लहसुन डाल देने के बाद मसाले सारे आपके घर में मौजूद हैं, जीरा 1 टीस्पून डलेगा, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून और गरम मसाला 1/2 टीस्पून और किसी भी लाल मिर्च 1 टीस्पून। मसालों को कम ज्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस चीज में। और इसको हल्का सामने भून लेना है, ज्यादा नहीं वरना मसाले हमारे एकदम से जल जाएंगे। एक बड़े से साइज का टमाटर लिया था, उसका जल्दी से मैंने पेस्ट बना लिया था, पानी डालकर वो इसके अंदर डाल देंगे। नमक इसके अंदर डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितना भी खाना पसंद करते हैं। पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून। अब इन सब चीजों को खूब अच्छे से हमने भून लेना है मसाले। मसाला कितना झटपट से, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे मसाला आपका भुन जाएगा। और ये देखें, इस तरह करके तेल इसके ऊपर आ जाना चाहिए, ये मसाला भुनने की निशानी होती है। अब इस टाइम पे क्या करेंगे, जो चने हमने बनाए उबाले हुए थे वो सारे के सारे इसके अंदर डाल देंगे। पानी अभी नहीं डालना, जो चने खाली वो डाल देंगे। चने डाल देने के बाद हल्का हल्का सा हमने चनों को इस तरह करके तोड़ लेना है चमचे की मदद से। सारे चने नहीं तोड़ देने, थोड़े साबुत भी रखने और हल्का हल्का सा बस आपने यूं प्रेस करना है, क्योंकि चने अच्छे से गले हुए होंगे तो फौरन इसके अंदर टूट जाएंगे। और ये देखिए कितने जबरदस्त सा इसका टेक्सचर आ रहा है। अब इसको हमने 1 से 2 मिनट तक भून लेना है। चने डाल देने के बाद जब ये भून जाएंगे तो जो पानी हमने इसमें चनों का रखा हुआ था उबालते वक्त का, वो सारा का सारा इसमें डाल दें। और अब आंच को हमने हल्का कर देना है 1 से 2 सेकंड के लिए, दम वाली आंच पे इसको रख देंगे। मजेदार से चने फिर उसके बाद हमारे तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखें 1 से 2 मिनट कंप्लीट हो चुके। चूल्हे को बंद कर देंगे और हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसको मजेदार से झटपट से बन जाने वाला चने का सालन खाने के लिए तैयार हो चुका है। आप इसके साथ गर्म गर्म फ्रोजन पराठों के साथ सर्व करें। वीडियो रेसिपी पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिल्म एंजॉय करने के लिए इजाजत चाहूंगी, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।